वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9, एंड दैट इज द चैप्टर 8 विद द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सो इस चैप्टर की आज हम इस वीडियो में करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और हो सके तो एक दो स्टार्टिंग में थ्योरम्स, इसमें थ्योरम्स थोड़ी ज़्यादा हैं तो वो प्रूफ नहीं करनी होती, बस उनको समझना होता है। वो किसी क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड है, वो आपको मैं जब इंट्रोडक्शन बताऊंगा साथ में, जब हम करेंगे तो आपको साथ साथ में बताता रहूंगा किस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वाड्रिलेटरल हम ये थ्योरम्स कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है मेनली, वो हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता हुआ तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक हम डिस्कस कर पाएंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, और किस क्वाड्रिलेटरल को उसके जो नेम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, ऑन व्हाट बेसिस, कौन सी प्रॉपर्टीज है उसकी जिसके बेसिस पे उसको नेम ये दिया गया है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स। सो बाय द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इट इज ऑलरेडी क्लियर, क्वाड मींस फोर, लेटरल मींस साइड्स, सो दैट मींस क्लियर है क्वाड्रिलेटरल्स आर व्हाट। इसकी डेफिनेशन यहीं पे लिखता हूं, एनी फोर साइडेड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ये हम एक्चुअली ये नहीं कह सकते कि ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट या प्रॉपर डेफिनेशन है, जस्ट एक फॉर नोन कि आप जानना चाहते हैं, जस्ट ये आपको एक बेसिक सी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं मान सकते क्योंकि लाइन सेगमेंट्स की बात होती है, फोर लाइन सेगमेंट्स की। तो अ फोर लाइन सेगमेंट सेगमेंटेड फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी लिख सकते हैं, फोर साइडेड फिगर फॉर सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, कोई भी फोर साइडेड फिगर है उसको हम क्वाड्रिलेटरल तो बोल ही सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल पहले आपको पता चल गया, एनी फोर साइडेड फिगर, जैसे कि आप ऐसे ही पिंकी टेढ़ी सी कोई भी बना दो, तो यहां पे चार साइड्स हैं, कोई एक पैटर्न नहीं बना, ऐसे ही बस कोई भी लाइन हमने चार ज्वाइन कर दी, वो क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया एबीसीडी। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह के होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है क्वाड्रिलेटरल एक जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, फोर साइडेड फिगर है स्क्वायर भी, ठीक है, साथ में बनाएंगे भी। और उसके बाद हमारे पास होता है रेक्टेंगल, देन आफ्टर दैट वी हैव अ रॉम्बस, देन आफ्टर दैट पैरेललोग्राम, देन वी हैव ट्रेपेज़ियम, और एक जो आपने शायद सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, दैट इज अ काइट। सो काइट शेप्ड एक फिगर होती है जिसको फोर साइडेड फिगर होती है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, वो क्या होती हैं वो साथ साथ में डिस्कस करते हैं। सो सबको पता है स्क्वायर क्या होता है, फोर साइडेड फिगर जिसके थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टीज नीचे लिखते हैं इसकी, क्या चीज होती है स्क्वायर के लिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री,
उसके बाद एक तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी जिस भी कोऑर्डिनेटर की, ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी तो हम बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर है। सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक स्क्वायर है। बट अगर इससे अलावा और क्या होता है, इसके डायगोनल्स भी होते हैं। ये देखो, डायगोनल्स जो होते हैं इसके स्क्वायर के, डायगोनल्स आर इक्वल, एक तो ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं और क्या करते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी होता है। ठीक है, अगर या तो ये दोनों प्रॉपर्टीज से हमें पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, तो या फिर ये वाली प्रॉपर्टीज से पता चल जाएगा कि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। मतलब कि चाहे ये बताया हो चाहे ये बताया हो, हमें पता चल जाएगा कि वो स्क्वायर है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी जरूरी नहीं होती, ठीक है। चाहे ये दोनों प्रॉपर्टीज पता हो हमें, तब भी हम बोल सकते हैं कि ये फिगर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्क्वायर है। और अगर ये बता दें डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो तब भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर की ही प्रॉपर्टी है जिसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट, का मतलब ये दो ये पार्ट्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी बना देते हैं फिगर थोड़ी सी, ये देखो। सो रेक्टेंगल भी जो होता है, इसके भी एंगल्स जो होते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बस स्क्वायर से क्या फर्क होता है इसका, कि इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स नहीं इक्वल होती। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आएगा रेक्टेंगल के लिए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, एक बात और है, स्क्वायर के बीच में ऑल साइड्स आर इक्वल बताने की जरूरत नहीं होती कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल भी हैं। तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टूड है कि ये अगर इक्वल है सारी साइड्स, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ऑपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल ही बनेंगी। ओके, इसमें भी ऐसा ही है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दैट मींस दे आर पैरेलल ईच अदर। ओके, पैरेलल होंगी ये, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, और क्या है इसमें, और क्या था, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सेम यहां पे आएगा, ऑल एंगल्स, और लिखना भूल गया, चल लिख लेना, एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पे ऑल भी आएगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। और अगला पॉइंट इसमें लिखा था मैंने, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। एट नाइन, ये एंगल्स जो है ना जहाँ पे 90 डिग्री थे यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट एट 90 डिग्री नहीं कर रहे हैं। तो दीज टू साइड्स आर इक्वल, दीज आर ऑल्सो इक्वल, मतलब ये सारी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि डायगोनल्स अगर इक्वल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करें तो दैट मीन्स इनके हाफ्स भी आपस में सभी इक्वल होंगे। तो मैंने 1-1 वाला ऑलरेडी यूज किया हुआ, तो ये देख लो 3-3 डॉट्स डाल देते हैं, 3 डैशेज वाला, 3 ऑल द 3 डैशेज आर इक्वल टू ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं ये, तो डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये भी हो गया। तो इसमें भी ये पहले दो से पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल है, या फिर ये लास्ट वाला जो हम लिखने वाले हैं इससे पता चल जाएगा, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रोम्बस। तो रोम्बस क्या है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट सारे एंगल्स इक्वल, जैसे यहाँ पे भी सारी साइड्स इक्वल थी यहाँ पे भी होंगी, बट इसमें सारे एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री थे, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ओनली, दिस इज इक्वल टू दिस एंड
दिस इज इक्वल टू दिस, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो इसमें क्या आएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये आपकी चॉइस है, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लेना, अदरवाइज आप वन बाय वन पहले स्क्वायर बनाइए, उसके आगे उसके प्रॉपर्टीज लिखिए, फिर रेक्टेंगल बनाइए सेकंड नंबर पे, उसके आगे उसकी प्रॉपर्टीज, ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। मैं ऐसे तब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऐसा बोर्ड है ना, आपके पास नोटबुक होगी तो आप उसको सीधा सीधा नोट कर सकते हैं। इसके बाद रोम्बस है ना, रोम्बस के बीच में मैंने बताया ऑल साइड्स आर इक्वल, एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस का वैसे पता कहां से चल सकता है, अगर उन्होंने सिर्फ ये भी बताया ना भी उसकी किसी भी एक क्वाड्रेंट की सारी साइड्स एक इक्वल है, तो हम एटलीस्ट उसको रोम्बस तो कह ही सकते हैं, एटलीस्ट वो रोम्बस तो होगा ही होगा। दूसरी चीज अगर नहीं भी थी ना ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल तब भी चलेगा, बट ये इससे स्पेसिफाई नहीं होता कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो वो रोम्बस है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के भी यही प्रोसीजर है। तो एंगल्स वाले से स्पेसिफाई नहीं होता, स्पेसिफाई होगा साइड्स वाले से। ओके, इसके बाद आ जाता है हम डायगोनल्स के रिलेटेड बात करते हैं, ऑपोजिट ऑल द साइड्स आर इक्वल एंगल्स की बात होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायगोनल्स, एक बड़ा डायगोनल एक छोटा, पता लग रहा है ना, डायगोनल्स आर अनइक्वल बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर अनइक्वल बट बायसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बायसेक्ट ईच अदर एट इस केस में 90 डिग्री। अगर ये भी बताया होगा सिर्फ तब भी हम पता चल जाएगा कि वो रोम्बस है जिसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है बट एक दूसरे को बायसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल, ये सारे आपस में नहीं, यहाँ पे सारे पार्ट्स इक्वल थे ना अंदर वाले, ये और ये और ये, बट इस केस में ऐसा है कि ये वाले इक्वल है, ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट, इसका डायगोनल का ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट इक्वल है। ठीक है, जस्ट साइड में बता, ये देखो थोड़ा सा ना छोटा बन गया है। सपोज दिस इज अ रोम्बस और डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, बट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस ये पार्ट इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर है, इतना सा, इतना पार्ट इसके बराबर है, इतना पार्ट इसके बराबर है, ऐसे है। डायगोनल्स आर अनइक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बना लो, मतलब ये एंगल जो होता है ना 90 डिग्री होता है, सारे एक होगा तो सभी होंगे। ओके, ये हो गई हमारी बात अब रोम्बस की। अब आती है बात करते हैं रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। अच्छा, रोम्बस होता है वो स्क्वायर को टेढ़ा कर दें, अगर बेस को फिक्स करके थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो रोम्बस बन जाता है, रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो पैरेललोग्राम बन जाता है। इसका मतलब ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखते हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, चलो फिर भी यहाँ पे लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हैं? और क्या है, मैंने बताया था ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पे क्या है, वैसे रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल भी होगा, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सॉरी यहाँ पे आएगा एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, दोबारा लिख देते हैं। रोम्बस के केस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, वैसे तो अंडरस्टूड है बट लिख भी लेना। ओके, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो किसी भी क्वाड्रेंट की ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल बता देंगे तो उसका मतलब क्या है कि वो एक पैरेललोग्राम है। और इस चैप्टर में पैरेललोग्राम की अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम,
अलग अलग थ्योरम्स हैं रिलेटेड टू पैरेलोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कौन किस बेसिस पे पैरेलोग्राम बोल सकते हैं, जहाँ पैरेलोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो एज ए थ्योरम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, वो डिस्कस करेंगे। वही सात आठ थ्योरम जो है चल रही है, छह या सात या आठ जितने भी हैं, ये पैरेलोग्राम के रिलेटेड ज्यादा है। ओके, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। और क्या है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और एंगल्स की बात हम कर रहे थे, सॉरी, इसके एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं इसके। और क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। यहां पे क्या था, डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ना, तो यहां पे भी डायगोनल्स अनइक्वल है, ये बड़ा है छोटा है, बट सिर्फ ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे नहीं करते, सिर्फ इसकी ये एक अलग प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर अनइक्वल, इक्वल नहीं होते, बट बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल्स पैरेललोग्राम के। तो दैट मींस ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट इसके बराबर है, इतना पार्ट इसके बराबर है, ये हम यूज करेंगे समझ में। इसके लिए ये जो कर रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से लिख लेना है, समझ भी लेना है, ध्यान में भी रखना है, जो हम चैप्टर्स में करेंगे ना, ये प्रॉपर्टीज बहुत यूज होंगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, बस इसकी एक यही एक पहचान है, ठीक है। ट्रेपीजियम में भी एक वैसे फर्दर एक टाइप होती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, वो भी बात करेंगे। तो इसकी एक ही एक कौन सी पहचान है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल का सिंबल ऐसे लिख लो, ठीक है। एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये ऑपोजिट साइड जो है ये दोनों पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल का सिंबल डाल दिया, वैसे इक्वल नहीं होते, मैं बता रहा हूँ जस्ट, ये साइड, ये ऑपोजिट साइड जो है ऐसे एरो डाल देते हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और ये वाली नॉन पैरेलल है। मतलब एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम। जिसमें सिर्फ ये भी बताया होगा ना, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल, तो हम उसको एटलीस्ट ट्रेपीजियम तो बोल ही सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो है, अच्छा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात करने वाले थे हम, ट्रेपीजियम में भी एक पार्ट होता है, दैट वाज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का क्या फंडा है, होता है ये ट्रेपीजियम है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, एक तो इसकी प्रॉपर्टी यही होती है सेम जो मैंने ये लिखी है, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे लिख लो, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी, एक तो यही प्रॉपर्टी होती है ये वाली ट्रेपीजियम वाली, और एक प्रॉपर्टी ये है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। बस लास्ट जो रह गया काइट वाला, जगह ना होने के कारण लेट अस ड्रू इट हेयर, काइट वाला मैं यहां पे लिखने वाला हूं। सो काइट की प्रॉपर्टी, काइट की फिगर ये होती है कि इसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं जो इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल होती हैं और ये दोनों इक्वल होती हैं, ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली, ये और ये ईच पेयर नहीं बोल सकते, टू पेयर, दो ही पेयर होते हैं इसमें, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ईच नहीं आएगा एक्चुअली, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर
इक्वल, ये दोनों है ये दोनों। इसकी और प्रॉपर्टी क्या होती है, एक इसके डायगोनल जो है ऑब्वियसली दोनों डायगोनल इक्वल भी नहीं होते, बट एक डायगोनल जो इक्वल साइड्स के बीच में से जा रहा होता है और एक साइड एक डायगोनल ऐसे जा रहा होता है, वन डायगोनल इज बाइसेक्टिंग द अदर, इस डायगोनल को ये बाइसेक्ट कर रहा होता है, ये वाला नहीं बाइसेक्ट हो रहा बट ये हो रहा है, ठीक है। वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर एट 90 डिग्री, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा होता है एट 90 डिग्री। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल की एक और प्रॉपर्टी आपने शायद पढ़ी भी होगी 8th क्लास में, वो भी आपको याद होगी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी वो क्या हो सकती है कि आप ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ए बी सी और डी, इसके जो चार एंगल्स होते हैं एंगल्स के रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है वो एंगल सम प्रॉपर्टी, सारे एंगल्स का सम, चारों के चारों एंगल्स को अगर हम सम कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 360। ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, क्वाड्रिलेटरल में तीनों चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब बात करते हैं किसको क्या बोला जा सकता है, एटलीस्ट सभी को, इन सभी तरह के जिनकी हमने बात की है सभी तरह के फिगर्स की, इन सभी को एटलीस्ट क्वाड्रिलेटरल बोला जा सकता है क्योंकि सभी की फोर साइडेड फिगर्स हैं। किसको क्या बोला जा सकता है, स्क्वायर को स्क्वायर ही रहता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जो है वो स्क्वायर तक ही रहती हैं, स्क्वायर को किसी और नाम से नहीं बुलाया जा सकता अदर देन क्वाड्रिलेटरल, इसको सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल के नेम से बुलाया जा सकता है। उसके अलावा रेक्टेंगल, क्या हम रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं, यस देखो रेक्टेंगल को स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज जो है फुलफिल कर रहा है कि नहीं, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब कह रहे हैं तो सॉरी रेक्टेंगल जो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर कैन बी टेकन एज रेक्टेंगल बिकॉज इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, है ना, तो ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो है इसमें भी है ना, तो इसको हम एटलीस्ट रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रोम्बस, रोम्बस देखो इसके प्रॉपर्टीज जो है स्क्वायर के साथ रिलेट कर रही हैं, बट हम किस चीज को रोम्बस बोल सकते हैं, एटलीस्ट जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं उसको हम एटलीस्ट रोम्बस बोल सकते हैं, बट उसको स्क्वायर कब बोलेंगे जब उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। और इसी तरह से पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, जैसे स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो स्क्वायर में है, ठीक है। कैसे, स्क्वायर रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, 90 है ना, डायगोनल्स आर अनइक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें डायगोनल्स इक्वल हो या ना हो उसकी कोई बात नहीं हो रही, बट ये इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं ना एक दूसरे को, ठीक है, एट 90 डिग्री भी कर रहे हैं, तो दैट मींस रोम्बस को हम स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हैं, सॉरी स्क्वायर को रोम्बस भी बोला जा सकता है, ओके। आगे यही चीज रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोला जा सकता है क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल आल्सो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्या वो सभी प्रॉपर्टीज इसमें हैं, इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इक्वल अनइक्वल की बात नहीं हो रही, ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, 90 है ये, तो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोला जा सकता है। इसी तरह से आ जाते हैं आगे ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है, इसको ट्रेपीजियम तभी बोल सकते हैं जब इसकी दो साइड्स ऑफ पेयर जो है वो पैरेलल होंगे, या फिर इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल सॉरी पैरेलल हैं, तो इसका नाम बाद में ट्रेपीजियम पड़ा इसकी एक प्रॉपर्टी की वजह से, ओके। लास्ट में आता है काइट, काइट की एक ही एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो उसको काइट शेप्ड फिगर बोलते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत सम्स करेंगे, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सो ये जो है ना हमने आज जो पूरा नोट डाउन किया है, आपने ये पूरे का पूरा जो है अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, आप खुद कैसे लिखना चाहते हैं दैट इज योर चॉइस, आप खुद चॉइस कीजिए
के क्या आप कैसे लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा तो आपको थोड़ा सा बड़ा पेज चाहिए, अदरवाइज आप कैसे लिखें, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल लिखें, उसकी प्रॉपर्टीज लिखें, फोर साइडेड फिगर है इसकी डेफिनेशन लिखें और एक एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लें, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखें, फर्स्ट टाइप क्वाड स्क्वायर उसके बारे में फिगर बनाएं, उसकी प्रॉपर्टीज लिखें, सेकंड नंबर पे रेक्टेंगल बनाएं उसकी फिगर बनाएं उसकी प्रॉपर्टीज लिखें, ऐसे ही आप सभी चीजें जो मैंने बताई हैं ऐसे ही आपने नोट डाउन कर लेनी है। नोटबुक के ऊपर आपके पास बहुत स्पेस होती है, मेरे पास सिर्फ ये बोर्ड था इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। आपने तो कॉपी पे लिखना है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और आप अच्छा अच्छा सुंदर करके इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए, देखते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है कुछ और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर पाते हैं तो वो हम करते हैं, फिलहाल के लिए आप इसे नोट कीजिए पूरा। तो आज की हमारी वीडियो जो है हम यहीं पे इंट्रोडक्शन पे खत्म करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आपने ये नोट डाउन कर लेनी है। एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस, तीनों को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, क्या यह सही है? देखो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तीनों केसेस में, देखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देखो तीनों केसेस में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 90 90 90 90 90, ओके डायगोनल्स आर अनइक्वल, अनइक्वल की बात छोड़ो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तीनों में, इसके भी करते हैं, इसके भी करते हैं, इसके भी करते हैं, तो तीनों को एटलीस्ट पैरेललोग्राम को बोला जा सकता है ना, इन तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस, स्क्वायर को या तो रेक्टेंगल या रोम्बस दोनों बोला जा सकता है, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में जो भी प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर में अवेलेबल है, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी स्क्वायर में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दोनों दोनों केसेस में, ठीक है। इसकी सारी साइड्स इक्वल, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो स्क्वायर रोम्बस को स्क्वायर बोला, सॉरी स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है, इसी तरह से स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोला जा सकता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये रेक्टेंगल को और स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोला जा सकता है। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट देखो इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, सो ये एक पैरेललोग्राम नहीं बोली जा सकती, बिकॉज अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती तभी हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते थे। अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस स्क्वायर नहीं बोला जा सकता, अभी हमने डिस्कस किया वैसे। अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम जो है इसकी दो साइड्स जो है वही पैरेलल है, दो साइड्स नॉन पैरेलल है, तो इसके लिए इसको ट्रेपेजियम कभी भी नहीं बोला जा सकता, दैट मींस ये दो जो फिगर्स हैं इसको कुछ किसी और नाम से नहीं बुला सकते अदर देन क्वाड्रिलेटरल, इनको क्वाड्रिलेटरल तो बोला जा सकता है बट इन तीनों में से और कोई नाम से नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, बट इन चारों की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं पे मैच कर रही हैं, तो किसी और को किसी और के नाम से बुलाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर गिवन टू अस, भी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है तो इन चारों फिगर्स में से हम किसी फिगर को, कोई भी फिगर हमें दी गई है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हमें दी होंगी इनके बेसिस पे हम उनके क्या क्या नाम रख सकते हैं, क्या क्या उसको कह सकते हैं, हमें ये पता चलेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन की अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, आई होप यू एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव गिवन एंड टॉट हियर, सो आप ऐसे ही इसको दिमाग में भी रखना है और ऐसे ही इसको समझते भी रहिए ताकि हम जब आगे इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम या कोई भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आगे डिस्कस करेंगे या कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएं और आप इजीली उसको सॉल्व भी कर पाओ, तो ये ध्यान में रखना सभी प्रॉपर्टीज को बहुत जरूरी है, ओके। आप चाहें तो अपने आप से अपने कोई फ्रेंड से पूछ सकते हैं, हाँ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ, मैं गेस करूंगा कौन सी फिगर है ये, उनकी बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आपने खुद लिखी होंगी, वो एक या दो प्रॉपर्टीज बोलेगा, आपने खुद गैस करना है कि वो कौन सी फिगर की बात कर रहे हैं, अगर आप गैस कर पाएंगे इजीली तो आप दैट मींस कि आपको पता चल गया कि हमने क्या डिस्कस किया, ओके। सो ऐसे ही आप आगे मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम इस चैप्टर को फुली सॉल्व करेंगे जितना हो सके ज्यादा और थोड़े से आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ेंगे ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस भी हो सके, अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, मैं हर बार बताता हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए कि सर यहाँ पे ये कैसे हुआ, सो आई विल टेल यू, ओके। और मेरा जो कमीर अकेडमी चैनल है प्लीज इसको जितना हो सके अपने फेसबुक आईडी पे, अपने व्हाट्सएप आईडी पे, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को,
जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वो नहीं अगर उनके कुछ रिलेटिव्स या उनके रिलेटिव्स में कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो 10th में पढ़ रहा है या 9th में पढ़ रहा है, तो वो इजीली इसका बेनिफिट ले सकता है। बिकॉज माय मोटो इज टू मेक द मैथ्स मोर एंड मोर इजियर देन एवर। ओके, सो और भी कोई फायदा ले सके तो ये चैनल जरूर आपने सब्सक्राइब करवाना है आगे से, और FB पेज जो मेरा है उसका नेम है KV Academy, उसको भी लाइक करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स हु हैव वॉच माय वीडियो टिल द एंड, एंड कीप ऑन वॉचिंग लाइक दिस एंड कीप ऑन शेयरिंग माय वीडियोस, कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस अगेन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।